हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी टाइम हो गया है 7:30 और मेरा वर्कआउट हो गया है। हस्बैंड सवेरे चले गए थे और लक्की ने तो आज कुछ खाया ही नहीं है, शाम को रोटी भी नहीं खाई है। तो अभी वर्कआउट हो गया तो थोड़ी देर मैंने रिलैक्स भी कर लिया है। अब मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा करूंगी, फिर मैं उसके बाद अपना रूटीन चालू करूंगी। और आज एक बहुत ही बढ़िया एक हेल्दी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्या सबके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी होगी। तो मैं नहा के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ एक कप कॉफी या चाय के साथ। क्या हुआ?
देखो इसमें मैंने ना पालक बोई थी ना, ये तो ऐसे होगी, पर ये ऐसे जलने लगी, पता नहीं क्यों। इसमें पालक बोई थी तो वो जमी नहीं, कल मैंने इसमें चने लगाए, इस समय थी लगाई थी इसमें, वो भी नहीं हुई, बस दो चार पौधे हुए तो मैंने उखाड़ ली। अब इसमें मैंने चने लगाई है और मेथी लगाई है, नहीं इसमें मेथी लगाई है और उस वाले में चने लगाई है। अब यहाँ पर एक हेल्दी सी रेसिपी बताती हूँ आप लोगों को, और तो रख देते हैं उधर और इस पर चढ़ा देते हैं दूध। बेसिकली बहुत ही ज्यादा ये समझो कि बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है। तो ये जो है ये दलिया है, ये एक बार में मैं घी में भून के रख लेती हूँ। तो और ये जो है ताल मखाने हैं, ये बादाम है, इलायची जाएगी और केसर जाएगा, और इसमें आप खसखस डाल सकते हो, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। और मीठे में आपने जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हो, बाकी आपने हेल्दी बनाना है तो आप गुड़ का प्रयोग करना। मैं गुड़ ही डालूंगी इसमें, लेकिन कब डालूंगी वो आपको मैं बताऊंगी। एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे गाय का देसी घी, एक बड़ा चम्मच गाय का घी है ये। अब इसमें दालचीनी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे दलिया, कितना बनाना है वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं ये डेढ़ चमचा, यानी जो सब्जी वाला चम्मच होता है ना वो डेढ़ मैंने डाला है ये, और इसमें डाल देंगे ताल मखाने। और साथ में डाल देंगे बादाम, बहुत ज़्यादा हेल्दी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो इसको ना सिम आँच पे हमने
यानी शैलो फ्राई करना है और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इसको भूनना है, लगातार चलाते रहना है इसको। और जो सिनेमन स्टिक डाली है ना, वो वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया एक रामबाण का काम करेगी। और जो ताल मखाने हैं वो भी वेट लॉस का काम करेगा। और ये जो दलिया है यानी कंप्लीट जो ये फूड बनेगा ना, ये हमारा हाई प्रोटीन मील बन जाएगा। तो ये आप वैसे तो देखो किसी भी टाइम इसको खा सकते हो, बाकी मॉर्निंग में अगर लोगे ना तो ये बहुत ही एक पावरफुल मील बन के रेडी हो जाएगा। और ये बच्चों के लिए ना खासकर बनाना, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई ग्रोथ है ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हाई प्रोटीन की चीज़ें चाहिए होती हैं। बाकी इसको कोई भी खा सकता है और बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है ये। तो इसको सिम आंच पे ही भूनना है, नहीं तो देखो तेज आंच करोगे ना तो ऊपर से तो ये भून जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, तो कच्चापन इसमें आएगा। तो इसको सिम आंच पर ही भूनना है। तो इसको मैं भून लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ, क्योंकि है ना कंप्लीट अगर अनकट वीडियो बनाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग बन जाएगा। तो इसको मैं भून लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो, ये दूध भी आधा हो गया है और दलिया भी लगभग उबल चुका है। अब इसमें है ना केसर डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये है, ये ताज़ा नारियल है और ये देखो बादाम है, भून लिए थे तो वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। और ये सिनेमन स्टिक्स है और ये ताल मखाना। अब ये सब इसमें डाल देंगे। और इसको बिल्कुल सीम आंच पे पकाना है, बिल्कुल सीम आंच पे। और यहीं पर डाल देंगे इलायची पाउडर। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। अब आप इस पे इसमें ना जो खसखस डाल सकते हो, खसखस मेरे पास है नहीं और मुझे थोड़ी कम पसंद है वो, तो इसलिए मैं उसको रखती भी नहीं हूँ। बाकी सारे ड्राई फ्रूट मिलेंगे मेरे पास। तो इसको ना सिम आंच पे थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। अभी मीठा नहीं डाला मैंने, अगर आप गुड़ नहीं डाल रहे हो ना तो इसी स्टेज पे मीठा डलेगा, लेकिन मैंने तो गुड़ डालना है। जब ये बन जाएगा ना कम्प्लीटली तो गैस बंद करके तब मैं इसमें गुड़ डालूंगी, ताकि जो दूध है वो फटे नहीं, क्योंकि गुड़ डालने से दूध फट जाता है। तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं ढक के और फिर मैं दिखाती हूँ बनने के बाद। यह मैंने गुड़ रख दिया है ढक के और ये देखो ये बॉयल हो रहा है। और यहाँ मैंने अपने लिए बना ली है कॉफ़ी और यहाँ पे राजमा भिगो दिए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं गेस्ट आएगा आज, तो उसके लिए राजमा भिगो दी है और बताऊँगी मैं। और यहाँ पर जो है दूध बिलना रखा हुआ था तो ये थोड़ा ठंडा ज़्यादा है तो हाफ बिलो लिया है, और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा ना तब एक बार चलाऊंगी तो फटाफट घी आ जाएगा। तो ये बॉयल हो रहा है, जब ये बन जाएगा ना तब मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये जो रेसिपी है ना आप ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये और बच्चे ना बड़े शौक से खाते हैं इसको। और अगर बच्चे ना नुकुर भी करें ना तो इसमें ना ठंडा करके चॉकलेट सिरप डाल देना, ऐसा मस्त मजा आएगा ना बच्चों को, बहुत ही शौक से डेली खाएंगे फिर इसको। तो ये बन जाता है और सच में इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है ना इसमें से, और हेल्दी तो मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को ना मेरा बेटा जब यहाँ था ना तो जैसे छोटा था तब उसके लिए मैं ये बनाती थी, बेटी कम पसंद करती थी लेकिन बेटा बहुत खाता था ये, मैं और मेरा बेटा ये दलिया बहुत खाते थे। अब मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है और ना ही मेरी बेटी को पसंद है, मतलब बेटी खा लेती है लेकिन उतना ज़्यादा पसंद नहीं जितना हमें पसंद है, और मेरे हस्बैंड को तो कतई पसंद नहीं है, उसको तो देसी खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं बना देती हूँ लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, राबड़ी है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाजरे की रोटी है, आधी रोटी खाएंगे। बस ये है कि अब जो एज होगी है ना
और कुछ हेल्थ इशू है उसका, तो अब बाजरे की, ज्वार की जो की रोटी खानी शुरू करी है अभी तकरीबन 1 साल से, नहीं तो मैं खाती थी। और मेरा बेटा देसी खाना पसंद करता है, बेटी भी देसी खाना पसंद करती है, बाकी उसको दलिया थोड़ा सा कम पसंद है, तो ये बन जाता है। और कॉफ़ी भी मेरी ये बोल रही है बस कर, अब आ जा मुझे पी ले, तो कॉफ़ी ठंडी हो ना जाए, तो मैं अपनी कॉफ़ी का एंजॉय करती हूँ और पी बन जाएगा ना, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये लीजिए, आप कॉफ़ी पी लीजिए। और मशीन का काम करूँगी मैं अभी, और साथ साथ देखूँगी बिग बॉस। बिग बॉस मैंने 3 दिन से नहीं देखा, मुझे टाइम ही नहीं मिला है। पर कल आ गई थी मेरे पास, परसों आ गई थी फ्रेंड, और कल मेरे पास कई कस्टमर आ गए थे पार्लर में। करवा चौथ का टाइम आ रहा है ना, तो अब घर का काम मैं जल्दी निपटा लेती हूँ, और फिर उनका काम भी करना है और मेरे को घर का काम भी करना है, और वर्कआउट तो मेरा डेली है ही है, बस घूमना अभी बंद कर रखा है क्योंकि काम ज़्यादा है। बाकी 1 घंटा वर्कआउट मेरा है ही है, कुछ भी हो जाओ वर्कआउट मैंने करना ही करना है, अगर कहीं गई नहीं तो, अगर कहीं जा रही हैं तो, और मेरी बुढ़ी आ जाती है तो भी नहीं हो पाता है। तो अभी देखो ये बात करते करते ये बन ही गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। अभी ये देखो इसका कलर भी कितना बढ़िया हो गया है, और टेक्सचर भी देखो कितना बढ़िया हो गया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप कितना गाढ़ा करना है वो आपकी अपनी च्वाइस है। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, तो आपने उसी हिसाब से इसको बनाना है। और अब गैस को कर देंगे बंद, और अब यहाँ पर डाल देना है गुड़। अब इसको ढक के छोड़ देंगे, गुड़ है ना धीरे धीरे अपने आप ही पिघल जाएगा। तो ये जो हेल्दी सा एक रेसिपी है, मेरे हस्बैंड को पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि भी हेल्दी चीज़ें ही खाओ, हेल्दी चीज़ें ही खाओ, तो थोड़ा बहुत तो उनको खिलाऊंगी जैसे तैसे, बाकी तो क्या ही बोले भाई, किसी को पसंद ही नहीं है, बचपन से ही नहीं खाया होगा उन्होंने। तो चलो ये हो गया है रेडी, अब इसको ढक के छोड़ देते हैं, और मैं अपनी कॉफ़ी का एंजॉय करती हूँ और मशीन का काम करती हूँ फिर। तो अभी टाइम हो गया है 4:30 हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड तो आएंगे लेट, और बोल रहे थे कॉल करके बता दूंगा, लेकिन अब तक कॉल की नहीं है। एनीवे वैसे तो पता है ही लेट आएंगे, लेकिन कितना लेट आएंगे ये पता चल जाता है, और जिस गेस्ट को आना है उनके साथ वो आएंगे या नहीं आएंगे वो पता चल जाता है, पर कोई ना भूल गए होंगे। तो अभी मैं अपनी हेड मसाज करती हूँ, और ये मैंने तेल बना रखा है, और इस तेल की जो रेसिपी यानी रेमेडी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, हर्बल तेल के नाम से है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो तेल है ना ये इतना मस्त वाला तेल है ना, मतलब ग्रोथ भी बढ़ेगी और हेल्दी ग्रोथ होगी, मेरा डेंड्रफ भी खत्म हो गया है, और जो ड्राइनेस थी वो भी खत्म होगी, और बहुत ही एकदम सिल्की बाल हो गए हैं। मैंने सिर्फ 3 ही बार लगाया ये। अभी एक छोटी बोतल मैंने बेटी को बना के दी थी, और ये यहाँ पे इतना सारा तेल रखा हुआ, और ज़रा सही लगता है ये, तो इसकी मैं मसाज करूँगी, और फिर मैं मॉर्निंग में है ना हेड वॉश करूँगी। पूरी रात ये पूरे बालों में अच्छे से ये रम जाएगा, और अगर आपने जैसे मॉर्निंग में लगा लिया तो आप इवनिंग में इसको भाई वॉश कर लो। तो अभी मैं शाम होगी है तो पूरी रात मेरे को कोई ना बाहर जाना है ना ही कोई धूल का काम करना है, इसलिए मैं अभी लगाऊंगी और मॉर्निंग में इसको धो लूंगी। तो और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और आपने हेड मसाज करनी है तो आप 2.5-3 घंटे तो रखना ही रखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हो तो 12-13 घंटे इसको रखना है। तो चलिए मैं हेड मसाज कर लेती हूँ, और अभी उनका फ़ोन आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या कह सकते हैं। तो चलो हेड मसाज करते हैं।
अब ये देखो ये कुर्ती सिल गई है और मैं तो थोड़ा सा पार्लर में काम था इसलिए इसकी तुरपाई नहीं हो पाई लगी, लेकिन अभी करूँगी मैं थोड़ी सी, मैं अभी हूँ फ्री, अभी मैं अभी करती हूँ आपको लाइट एक और ऑन कर लेती हूँ। ये इतना नीचा बन जाए कैसी लग रही है? तो ये अभी मैं इसकी उसका जो गला बना था ना वो वी शेप में बना था थोड़ा सा डी, और ये बना है ड्रॉप शेप में, तो ये हो गया। अभी मैं इसकी तुरपाई कर लेती हूँ और तुरपाई में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। ये गले की तुरपाई है और ये साइड की तुरपाई है, तो वो मैं अभी करूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी आए नहीं है, तो वो आएँगे शायद 7 बजे के आसपास तक मैं फ्री हूँ, तो मैं इसको कर लेती हूँ और साथ साथ बिग बॉस भी देख रही हूँ। अभी ना सिलबट्टे पे मैं चटनी बना रही हूँ और बना रही हूँ तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करना, इसे ज़रूर बनता है। तो आज ये जीरा, साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्चा और ये सेंधा नमक है। अच्छा, इसमें मैंने अच्छे से धो के और ये प्याज, टमाटर और धनिया थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। अब इसको सिलबट्टे पे बनाएंगे। अब इस पे ना थोड़े थोड़ा ये धनिया, टमाटर, प्याज वगैरह डाल देंगे। एक बार में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़े थोड़े डाल के और पीस लेते हैं। अब ये देखो इतनी बारीक पीस गई, इससे भी बारीक करना चाह रहे हो तो उससे भी बारीक कर सकते हो। सिलबट्टे पे ना चटनी एक नंबर की बनती है, बहुत ही अमेजिंग ये टेस्ट वाली बनती है। तो इसको ना सबको मैं पीस लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आपको ज़्यादा लगे तो इसको साथ साथ निकाल सकते हो, है ना? तो मैं इसको पीस लेती हूँ। अब ये देखो ये सारी बना ली है, अब इसको मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। बस ये बन गई। अगर इसमें आप तड़का लगाओ तो आप तड़का लगा सकते हो, राई और हींग का तड़का लगा सकते हो। बाकी मैं तो इसको ऐसे इंजॉय करूँगी, मुझे बहुत पसंद है। और एक टाइम तो हमारी चटनी होती ही होती है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब ये देखो, और इसमें ना खुशबू इतनी मस्त आ रही है ना, और वीडियो में ना कलर वैसा नहीं आया, एक्चुअल में इसका कलर जैसा है। तो ये आज हम मेसी रोटी के साथ खाएंगे, और लस्सी मेरे पास होती होती है, नूनी घी भी आज ताज़ा निकाला है। तो ये होगी है, अभी मैं संध्या करती हूँ और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है और टाइम हो गया है 8 बजने वाले हैं, तो आज तो बहुत लेट हो जाएगा, तो उनके बगैर मैं खाना भी नहीं खाती हूँ। तो अभी मैं संध्या करती हूँ और इस सिलबट्टे को साफ कर देती हूँ। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, खाना पीना और किचन सारी साफ हो गई है, और अभी मैं इस व्लॉग का बहुत ही प्यारे से और हेल्दी से व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और आप अपना और अपने परिवार का रखना ढेर सारा ख्याल, और नए व्लॉग में नई ऊर्जा के साथ, नए कंटेंट के साथ मिलते हैं फिर आपसे, गुफ्तगू करते हैं। तब तक क्या करना है, खुश रहना है, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना है, हेल्दी खाना है, करेक्शन हेल्दी बनाना है, हेल्दी खाना हेल्दी ही रहना है। चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय बाय।